मध्य प्रदेश का विंध्य, मालवा, ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, बुंदेलखंड कोरोना संकट से जूझ रहा है। लॉकडाउन के एक महीने बाद भी इंदौर संक्रमण के मामले में अति संवेदनशील बना हुआ है। प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद सरकार ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन और होशंगाबाद जिलों को हॉटस्पॉट की सूची में रखा है, जबकि 11 जिलों में रेड जोन बना हुआ है। प्रदेश में 50% जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। जानकारों की माने तो कोरोना संक्रमण अभी एक झटका और दे सकता है। कई जिलों में संक्रमण के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। कुल 26 जिले संक्रमित हैं, जिनमें रेड जोन के जिलों की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संकट के संदर्भ में जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार प्रदेश के कोरोना प्रभावित जिलों में प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन समूह द्वारा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इसके बावजूद देश में एमपी का स्थान 5वां है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं ऐलान कर चुके हैं कि शहर गांव में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर मोहल्लों में आवश्यक वस्तुओं की सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन कई जिलों में इसे लेकर पसोपेश बना रहा। लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुएं, दूध, दवा, दुकान पर भी लोग शारीरिक दूरी और संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सतर्कता बरतते हुए नहीं दिखे। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके अलावा कंटेनमेंट क्षेत्र में भी यह पाबंदी लागू की गई है, लेकिन शारीरिक दूरी, सुरक्षात्मक उपायों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।